कारगिल हनुमान मंदिर उधमपुर में धार्मिक कार्यों में अग्रणी प्रधान सुशांत शर्मा जी के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा अमरनाथ यात्रियों का चुनी और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया, जिसमें बजरंग दल के जिला संयोजक संजय सुदन भी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधान सुशांत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सुशांत शर्मा जिला कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, आज हमारे पदाधिकारियों के आदेश के अनुसार आज हम यहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा में जो लंगर लगाते हैं, आज उनके मान सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए हम एकत्रित हुए हैं। ये भोले बाबा की प्रथम बटालियन है जो सबसे पहले अपना नाम इसको लेकर चलती है, जो राशन लेकर और दो महीने विषम स्थितियों में भी जो भोले भक्तों की जो सेवा करती है, म्यूचुअल फंड जाती है, हम उनका यहाँ उधमपुर की धरती पर स्वागत करते हैं और उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं और उनका यहाँ पे स्वागत करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल जी, जो कश्मीर के अलगाववादी जो भी साजिशें कर ले, शिव के जो भोले भक्त हैं वो यात्रा करते हैं, सिर्फ प्रशासन को और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपनी नीति के तहत चलना होगा जो उनको सुरक्षा मुहैया कराए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे हर साल की तरह जो अमरनाथ यात्रा है वो सुचारू रूप से चलेगी। कारगिल हनुमान में भी लंगर व्यवस्था की जाती है, संदेश हम कारगिल हनुमान मंदिर की जो लंगर कमेटी है उनका धन्यवाद देते हैं, वो हमारे साथ पूरा शान वशन हमारे साथ है और उस लंगर की हमारी जो इनिशियल जो बात है वो सब चुकी है, अंतिम रूप से देना है शायद 27 से 29 से हमारा लंगर यहाँ पे सुचारू रूप से। युवाओं का संदेश, हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अमरनाथ की यात्रा चलाने के लिए आप अपना अहम रोल प्ले करें। आप अगर यहाँ पे बारिश की समस्या से या कोई यहाँ पे अमरनाथ यात्रा रुकती है तो आप उनके खाने पीने का और उनकी सेवा का भीड़ उठाएं और उनके अमरनाथ यात्रा चलाने के लिए आप अपना भागीदारी दें।